हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम सिंह। वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी प्यारे साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, बच चुके हैं 9 एंड आप मेरे साथ जुड़ेंगे करंट अफेयर की इस क्लास में। जो भी साथी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन। करके बताना है गोवा इंटरनेशनल, जिसका काम शुरू किया गया था 2016 में और ये अब बनकर तैयार हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। तो मोपल जो नाम रखा गया है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, यह किस नेता के नाम पर रखा गया है, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट ये बड़े नहीं हो सकते, मुझे दिखेंगे लाइव काउंट और दिखा दो ऊपर। चलिए भाई, मनोहर पारिकर, शानदार, बहुत बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। मनोहर पारिकर जो कि गोवा के क्या है, गोवा के 3 बार सीएम रह चुके थे एंड भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो मनोहर पारिकर के नाम पर क्या है, मनोहर पारिकर के नाम पर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है क्या रखा गया है, मोपा रखा गया है। भाई गोवा जो कि एक बहुत छोटा सा राज्य है, इवन भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसके सीएम कौन है, प्रमोद सावंत जिसके सीएम है, और जो हर घर जल जो मिशन है उसमें टॉप करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा ही है। शानदार, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है भाई, किस क्रिकेटर को नवंबर माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 दिया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। आईसीसी हर मंथ के लिए क्या है, अपने क्रिकेटर्स को चुनती है, अपने प्लेयर्स को चुनती है। नाउ क्वेश्चन इज दैट नवंबर मंथ के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, यह कौन चुने गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हां जी, मेंस का भी बताएंगे, वुमेन का भी बताएंगे। चलिए, मेंस का तो आप ऑप्शन की हेल्प से बता सकते हैं, आप वुमेन का बताएंगे, वुमेन में किसने किसे मिला है और वो कहाँ, कौन से देश से है, यह भी आप बताएंगे। जॉस बटलर, शानदार, बहुत बहुत अच्छे, इंग्लैंड टीम के कैप्टन जो है जॉस बटलर, तो जॉस बटलर को क्या है, जॉस बटलर को नवंबर मंथ के लिए प्लेयर चुना गया है। वुमेन का भी बताएंगे, वुमेन में किसे चुना गया है एंड वह कौन से देश से, किस कंट्री से बिलोंग करती है, यह भी आप कॉमेंट करके बताएंगे। जी बिल्कुल सही, इसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिया है। चलेगा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी आरंभ की गई है, यह आपको कमेंट करके बताना है। हां जी, कंट्रीज लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन जो है ये कौन से राज्य में शुरू की गई है, यह आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। चलेगा, जल्दी से सभी साथी आंसर करेंगे। लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन जो शुरू की गई है, ये कहाँ पर शुरू की गई है, भाई यह केरल में शुरू की गई है। कहाँ पर शुरू की गई है, केरल में शुरू की गई है, यानी कि डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। और इसमें क्या है, लगभग 200 प्रोडक्ट को इसमें शो किया जाएगा। जी नहीं नहीं नहीं, पंजाब नहीं, पंजाब कहाँ से आ गया, केरल इज द राइट आंसर, इसे केरल में शुरू किया गया है। थर्ड का डी इज द राइट आंसर, केरल में शुरू किया गया है। भाई केरल जो कि एक बहुत ही अच्छा सा राज्य है, अगर हम लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा जो लिटरेसी है हमारे देश में किस राज्य की, केरल राज्य की है। जेंडर गैप देखिए, हाईएस्ट जेंडर गैप कहाँ का है, केरल का ही है। जेंडर गैप से मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं देखी जाती हैं, तो केरल में पुरुषों से भी ज्यादा महिलाएं हैं। ठीक है जी, शानदार, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसे 25वीं श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। 25th जो श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार मिला है, यह किसे मिला है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो देश को क्या है, जो देश को भाई एकजुट चलने के लिए सीख देता है, या उसने एकजुट चलने के लिए क्या है, प्रयत्न किए हो। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे,
फोर्थ का आप ए आंसर कर रहे हैं, यानी कि भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी को कहा है, वेंकैया नायडू जी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। फिर मैंने आपको बताया भी था कि भाई वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत एकजुट होकर चले और हमारी जो कल्चर है, अगर हमारे कल्चर को फॉलो करेगा तो फिर से क्या है, फिर से भारत का नाम वर्ल्ड में सबसे पहले जाना जाएगा। चलिए भाई, बहुत बहुत शानदार। द्रौपदी मुर्मू कौन है इस टाइम पर? भारत की प्रेसिडेंट है, भारत की राष्ट्रपति इस टाइम पर कौन है? द्रौपदी मुर्मू है भाई। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी भारत की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी भारत की प्रतिभा पाटिल। रामनाथ कोविंद हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। प्रतिभा पाटिल से पहले प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? रामनाथ कोविंद थे, ठीक है, चलेगा। भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने किस राज्य में पूर्व संचार बोध का आयोजन किया है, यह आपको बताना है भाई। एक्सरसाइज पूर्व संचार, एक्सरसाइज संचार बोध जो है, एक्सरसाइज क्या है? संचार बोध। तो संचार बोध को कहां पर कंडक्ट किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, इस एक्सरसाइज को कहां पर कंडक्ट किया गया था, यह आपको बताना है। चले जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 5 का। चलिए, पंजाब इज द राइट आंसर, जो डी आंसर कर रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। और एरावत क्या है? एरावत डिवीजन है। चलिए, इस डिवीजन को किस नेम से, दूसरे किस नेम से जाना जाता है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका अन्य नेम आप मुझे बताएंगे, एरावत डिवीजन का अन्य नेम क्या है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो मैं आपसे पूछती हूँ बीच बीच में सारी चीजें आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो, इसी के साथ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों को जो भी अभी जुड़े हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह आपको बताना है भाई। राशिद जो है, राशिद क्या है? लूनर मिशन है। कौन से देश का है, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिएगा भाई, राशिद जो है, राशिद कौन से देश का लूनर मिशन है जिसे हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है? लूनर या मून मिशन बोथ आर सेम, क्योंकि मून को क्या बोल दिया जाता है? मून को लूना और सिंथिया बोल दिया जाता है। मून को लूना एंड सिंथिया बोल दिया जाता है। मून क्या है भैया? सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट है, किसका सैटेलाइट है? हमारी अर्थ का सैटेलाइट है। हमारी क्या है? हमारी अर्थ का सैटेलाइट है। लगभग अगर मैं अप्रोक्स में बात करूं तो अप्रोक्स क्या है? अप्रोक्स इसे 28 डेज लगते हैं, मून को 28 डेज लगते हैं सन का चक्कर लगाने में। तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने हाल फिलहाल में क्या है, हाल फिलहाल में अपना एक मून मिशन लॉन्च किया है। यूएई ने क्या है भाई, हाल फिलहाल में अपना मून मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है राशिद, ठीक है भाई। यूएई के द्वारा क्या है, अपना मार्स मिशन भी लॉन्च किया गया था, मंगल मिशन भी इसने अपना लॉन्च कर रखा है। इसके मंगल मिशन का नाम क्या था? होप इसके मंगल मिशन का नाम था, यानी कि आप कह सकते हैं कि खाड़ी देशों का पहला जो मंगल मिशन लॉन्च किया गया था, यह यूएई के द्वारा किया गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। चलिएगा भाई, क्लियर है यहाँ तक? बहुत बहुत शानदार, बिल्कुल सही। और किस रॉकेट से किया गया था? फैल्कन 9 रॉकेट से किया गया था, स्पेस एक्स के रॉकेट से किया गया था, फ्लोरिडा से किया गया था इसे लॉन्च, ठीक है चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? चलिए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यह कौन बनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यह कौन बनी है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है चलिएगा भाई। सेवंथ का डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। पीटी उषा जिन्हें उड़न परी बोला जाता है या पायोली एक्सप्रेस इन्हें बोला जाता है, पीटी उषा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है भाई, शानदार।
बहुत बहुत अच्छे। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चंद्रमा के चारों ओर एक यात्रा के लिए कौन से भारतीय टीवी कलाकार जापानी अरबपति युसाका मेजवा के साथ जाएंगे, यह आपको बताना है। चलिए, भारत की एक टीवी पर्सनैलिटी क्या है, एक टीवी पर्सनैलिटी जापान के, चलिए जापान के क्या है, एक अरबपति है भाई युसाकू मेजवा, इनके साथ क्या है, इनके साथ मून भी जाएंगे, मून के ट्रिप पर जाएंगे। तो नाम क्या है जल्दी जल्दी से बताइएगा। ये तो मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, हाँ जी सर्च करके आपको दिखाया था, देव जोशी थी, देव जोशी। कौन सा सीरियल था, बालवीर, बालवीर सीरियल के क्या है ये। चलिए भैया, हीरो है तो देव जोशी क्या है, देव जोशी इनके साथ जाएंगे जी। शानदार, बहुत 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 अच्छी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए भाई, एनर्जी जो आप पढ़ते हैं ना, एनर्जी, चले मैं, मेरा परसों इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर है। चलिए तो भाई, आपको बेस्ट विशेस, अच्छे से पेपर देके आइएगा और फिर बताइएगा कि कैसा गया आपका एग्जाम। चलिएगा, जल्दी से आंसर करके करके बताएंगे। 14th of December इज द राइट आंसर, 14 दिसंबर बिल्कुल सही आंसर है। 14th of December को एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य में हाल ही में अंडर द सॉल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, अंडर द सॉल थिएटर एक फेस्टिवल होता है, अंडर द सॉल थिएटर ये क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है, शायद ये मैंने आपको कराया भी नहीं था। इसे असम के जो लोग होते हैं, असम के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल आपका सही आंसर है भाई। असम, असम का एक बहुत ही फेमस सा फेस्टिवल है बिहू, बिहू भी यहाँ का एक बहुत ही फेमस सा फेस्टिवल है। असम में एक मेला लगता है, अंबुबाची मेला, असम में क्या है, असम में अंबुबाची मेला लगता है, ये मेला ज्यादातर न्यूज में भी रहता है, ठीक है। चलिए, कहाँ पर लगता है ये, कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, कामाख्या देवी मंदिर है कहाँ पर, असम में, और यहाँ पर यह मेला भी लगता है, ठीक है। चलेगा, असम इज द राइट आंसर, शानदार, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। चलेगा भाई, केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक किस राज्य में सोने की तस्करी के सबसे ज्यादा मामले आए हैं, यह आपको बताना है भाई। केंद्र सरकार ने एक डेटा निकाला और डेटा के अकॉर्डिंग बताया था कि सबसे ज्यादा सोने की तस्करी जो की जाती है यह किस राज्य से की जाती है, और किस राज्य के, चलिए किस राज्य के पोर्ट से की जाती है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल पोर्ट है, इस पोर्ट से क्या है, ज्यादातर जो गोल्ड है, गोल्ड की तस्करी होती है, तो केरल इज द राइट आंसर। वैसे तो भाई केरल काफी अच्छा राज्य है, ठीक है। चलिए, यहाँ थोड़ी इमेज से बिगड़ गई है केरल की, तो केरल से क्या है, गोल्ड की सबसे ज्यादा तस्करी होती है केरल में, है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसी के लिए बताया गया है कि भाई यहीं से सबसे ज्यादा क्या है, तस्करी की जाती है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। वैसे ये एयरपोर्ट क्या है, एक तरीके से और न्यूज में रहा था, क्योंकि ये सोलर एनर्जी से रन होने वाला, टोटल सोलर एनर्जी से रन होने वाला क्या है, एयरपोर्ट है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा कोची को क्या बोला जाता है, कोची का एक नाम है, जैसे शहरों के निकनेम है, तो कोची का नाम क्या है, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कोची का अगर मैं निकनेम कहूँ इस शहर को, कि एक निकनेम से भी जानते हैं, एक उपनाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। कोची को किस नाम से जाना जाता है, या फिर भैया मैं आपसे कहूँ कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो कोची को ही क्या कहा जाता है, अरेबियन सी, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी इसे कहा जाता है, अरब सागर की रानी क्या है,
अरब सागर की रानी के नाम से इसे जाना जाता है। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सातवें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? इसमें ई ऑप्शन और ऐड कर लेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दिल्ली ऐड कर लीजिएगा या न्यू दिल्ली आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि सेवंथ जो वाटर इम्पैक्ट समिट की होस्टिंग है यह दिल्ली, ठीक है। इसका जो वेन्यू है न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली इसका आंसर है, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पर आप एक ई ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा, न्यू दिल्ली इसका आंसर है, ठीक है भाई। दिल्ली हमारी राजधानी कब बनी थी, दिल्ली हमारी कैपिटल कब बनी थी? देखिए अनाउंसमेंट तो इसकी जो कर दी गई थी, अनाउंसमेंट 1911 में कर दी गई थी, 1911 में अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि दिल्ली अब हमारी राजधानी होगी, बट बनी कब थी, 1912 में दिल्ली हमारी कैपिटल बन गई थी। इससे पहले कौन थी, इससे पहले भारत की राजधानी कौन थी, तो कलकत्ता। इससे पहले कैलकटा जो है कलकत्ता भारत की राजधानी था, ठीक है चलेगा। हां जी, जिस तरीके से हम दिल्ली एनसीआर बोलते हैं वैसे ही योगी जी ने कहा है कि लखनऊ को भी अब राजधानी कैपिटल रीजन के नाम से जाना जाएगा। लखनऊ भी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो जैसे दिल्ली एनसीआर है वैसे ही क्या है, वैसे यूपी एनसीआर भी अब बनने जा रहा है लखनऊ में, ठीक है चलिए। शानदार, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केंद्र सरकार की सूची के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, यह आपको बताना है। साइबर क्राइम भैया वो आपका साइबर स्पेस, उस स्पेस को बोलते हैं जहां आप किसी डिवाइस के टच में होते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर पर बैठकर कोई काम कर रहे हैं, तो वो स्पेस आपका क्या कहलाता है, साइबर स्पेस कहलाता है। उस साइबर स्पेस में अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है, ठीक है, डिजिटली या वर्चुअली हम बोल सकते हैं आपके साथ कोई क्राइम होता है, तो दिस इज कॉल्ड साइबर क्राइम। लाइक किसी ने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली भाई, किसी ने आपका भैया लाइक अकाउंट अगर आपका बना हुआ है ट्विटर पे किसी और चीज पे, उसे क्या है, उसे चुरा लिया, आइडेंटिटी को आपके ब्रीच कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड साइबर क्राइम। साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा किस राज्य में है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में है 46, आफ्टर दैट ये महाराष्ट्र में है 43। तो सबसे अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं कि साइबर क्राइम को जो हैंडल करता है यह तमिलनाडु करता है, ठीक है भैया। तमिलनाडु में इस टाइम पर कौन बैठे हुए हैं, यहाँ के सीएम कौन है, एम के स्टालिन। कौन है यहाँ के जो सीएम है, एम के स्टालिन। अच्छा, तमिलनाडु का, तमिलनाडु राज्य के अभी स्पोर्ट मिनिस्टर बने हैं, तो आप मुझे उनका नाम बता पाएंगे भाई, राज्य के स्पोर्ट मिनिस्टर कौन बने हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो प्लेयर्स होते हैं जिन्हें 3,000 रुपए, जिन्हें भाई स्कॉलरशिप दी जाती थी या पेंशन दी जाती थी 3,000, तो इस 3,000 को इंक्रीज करके 6,000 कर दिया गया है, ठीक है जी। शानदार, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बड़े चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य में विकलांग लोगों के लिए पहला द पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। द पर्पल फेस्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया है, और पर्पल फेस्ट से क्या मतलब है भाई, पर्पल फेस्ट से क्या मतलब है, पर्पल फेस्ट को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है। जो भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, तो भाई हमारी सोसाइटी को क्या है, हमारी सोसाइटी को उनके लिए थोड़ा क्या है, दयनीय बनाने के लिए, और उन्हें उनके जो राइट्स है उन राइट्स को प्रोवाइड कराने के लिए क्या है, ये जो पहला पर्पल फेस्टिवल है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, इसे गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, इसे गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑलराइट चलेगा, क्लियर है।
चले भाई जल्दी से बताएंगे, यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़े, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन है कि किस शहर में पहला इंडिया ग्लोबल इंडिया फोरम 2022 का आयोजन किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। भाई भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इस बार अध्यक्षता कर रहा है। प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में आ भी चुकी है। 1 दिसंबर को भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिल चुकी है, यानी 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। ऑलराइट, तो इसके चलते हुए भारत ने ये जो पहला, ठीक है, भारत ने क्या है, पहली जो फोरम है इस फोरम को होस्ट किया है। कहां पर किया है ये, कहां पर हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। चले भाई, कहां पर हुई थी? दुबई में हुई थी। शानदार, बहुत अच्छी। अब भारत से बाहर दुबई में हुई है, इट मीन्स ये किसके द्वारा, यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल या फिर फॉरेन मिनिस्टर आप बोल सकते हैं, तो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के द्वारा इसे होस्ट किया गया था या ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां पर? दुबई में किया गया था। ऑल राइट, चलिए भाई, लंदन से जो कंफ्यूज हो रहे हैं, लंदन से आपको एक चीज याद रखनी है। स्टूडेंट्स के लिए इस बार जो बेस्ट सिटी बताया गया है, भाई स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सिटी कौन सा है? स्टूडेंट के लिए बेस्ट सिटी जो है लंदन ही है। ठीक है, चलिए, टोक्यो में इस बार क्या हुए थे? टोक्यो में इस बार ओलंपिक हुए थे। टोक्यो में इस बार ओलंपिक हुए थे। देखिए भाई, इंटरनेशनल जूट सेंटर जो है, इंटरनेशनल जूट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? इंटरनेशनल जूट रिसर्च सेंटर ये ढाका बांग्लादेश में है। जूट रिसर्च सेंटर। आप कह रहे होंगे मैम ये आप क्यों पढ़ा रही हैं, आपको कैसे याद आ गया? क्योंकि भाई देखिए, सबसे ज्यादा पहले जो जूट होता था, जूट प्रोडक्शन पहले भारत में होता था, फिर भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, तो भैया कुछ एरिया यहाँ पर चला गया। ठीक है, चलेगा। इस वजह से जो इंटरनेशनल जूट रिसर्च सेंटर है ये ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, चलेगा। भारत में सबसे ज्यादा जूट किस राज्य में होता है? आप मुझे स्टेट बताएंगे कि भारत में जूट सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, दुबई से रिलेटेड आप क्या रखेंगे? 100% पेपरलेस गवर्नमेंट जो बनी है दुनिया की पहली, तो ये कौन सी बनी है? दुबई सरकार ही बनी है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस देश ने सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ये कौन से देश में, अगर आप मीन्स अगर वहां के जो युवा हैं जिनका बर्थ 2008 के बाद हुआ है, तो वो क्या है, वो परचेज नहीं कर सकेंगे? क्या परचेज नहीं कर सकेंगे? वह बीड़ी, सिगरेट वगैरह एंड जो तंबाकू होता है उसे परचेस नहीं कर सकते, बैन लगा दिया गया है। न्यूजीलैंड इसी के साथ पहला ऐसा देश बना है जिसने क्या है, जिसने स्मोकिंग पर बैन लगा दिया है। तो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। शानदार, बहुत अच्छे, न्यूजीलैंड बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट टाइम वुमेन्स को वोट करने का जो अधिकार दिया था, यह न्यूजीलैंड के द्वारा ही दिया गया था। सो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? चलिए भाई, इस राज्य के सीएम ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब हम इन हिल्स को क्या कर रहे हैं, अब हम इन हिल्स को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने जा रहे हैं, सो देट हमारे राज्य में टूरिज्म बढ़े और इस हिल्स को भी लोग क्या है, इस हिल्स को भी लोग जाने। ठीक है, चलिए भाई। हाँ जी, तो कौन से राज्य के द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा हाल फिलहाल में क्या किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया, यानी कि भूपेश बघेल ने कहा है कि भाई ये हिल्स जो है अब टूरिस्ट प्लेस होगी। ठीक है, चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसको मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया है? जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इसके चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किए गए हैं, यहाँ कौन अपॉइंट किए गए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। हाँ जी, नल से जल योजना भी शानदार, बहुत अच्छी।
बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सही। जेरेमी फरार जो है, जेरेमी फरार अभी तक कौन थे इसमें चीफ साइंटिस्ट, अभी तक भारत के ही सौम्या स्वामीनाथन थे, तो भारत के सौम्या स्वामीनाथन की जगह अब कौन आए हैं, जेरेमी फरार। ऑलराइट, चलिए कभी क्लियर है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस हिमालय औषधीय पौधे को प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए भाई, रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक, या फिर आप क्या बोल देते हैं, या फिर आप इसे रशियन बुक भी बोल देते हैं, बिकॉज सबसे पहले इसे रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। IUCN क्या है, IUCN इसका कंट्रोल बॉडी है, IUCN के द्वारा यह जारी की जाती है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, IUCN। तो इन सभी पौधों को, ठीक है, पैलिटा सिरोहोसा और हेचागिरिया, ये सारी के सारे प्लांट्स हैं, औषधि प्लांट है, औषधि के रूप में यूज किए जाते हैं, जिन्हें क्या है रेड डेटा बुक में शामिल किया गया। ऑल ऑफ बहुत अच्छे भाई, शानदार, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है। चलो भाई, किस राज्य ने कहा है कि हमारी जो क्या है, हमारी जो बद्री गाय है, हमारी क्या है, हमारी जो बद्री गाय है, हम इसके, चलिए हम, चलिए भाई, तो ओवल्यूशन, जो मल्टी ओवल्यूशन होता है, उसके तहत क्या है, उसके तहत इसके क्या करेंगे, इसका जो आनुवांशिक विकास है और करेंगे, यानी कि इस गाय के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, इसकी नस्ल को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। चलिए, उत्तराखंड राज्य ने अनाउंस किया है भाई, शानदार, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, उत्तराखंड ने एक चीज और की है, एक तो प्री प्राइमरी लेवल पर नई शिक्षा नीति को इसी ने इम्प्लीमेंट किया है, दूसरा जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में भी शुरू किया है उत्तराखंड ने ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री डी वाई चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटलाइजेशन हब का उद्घाटन किया है। चलिए भाई, तो ये आप देखेंगे ओडिशा, ओडिशा की क्या है, ओडिशा के 10 जिलों में, ओडिशा की क्या है, 10 जिलों में हाल फिलहाल में जो हमारी CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने क्या किया है, डिजिटलाइजेशन हब जो है उसका उद्घाटन किया है, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट को डिजिटल बनाने के लिए, तो 10 जिलों को डिजिटल बनाने के लिए ये क्या है, डिजिटलाइजेशन हब का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है। ये क्वेश्चन शायद बताया नहीं होगा, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम की वजह से रह जाते हैं, तो अब आप इन्हें कवर कर पाएंगे, ठीक है भाई। चल नेक्स्ट बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा हेड क्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का हाइपरसोनिक के साथ परीक्षण किया गया है। चलिए भाई, हाल ही में क्या है इसे भी जान लेंगे, ये मैंने आपको बताया नहीं था, जो हमारा इसरो है, जो हमारा क्या है भाई, जो हमारा इसरो है, इसरो ने हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है इसके साथ क्या है, जो हाइपरसोनिक परीक्षण होते हैं, हाइपरसोनिक जो टेस्ट होते हैं, इन्हें क्या है, इन्हें सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है। जी, इसरो इज द राइट आंसर, इसरो बिल्कुल सही आंसर है। इसरो क्या है, हमारी स्पेस एजेंसी है, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है, जिसका गठन कब हुआ था, 1969 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, और सोमनाथ क्या है, हाल फिलहाल में इसके अध्यक्ष है, DRDO के अध्यक्ष कौन है भाई, समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। हॉल क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, तो सबसे पहले या भारत में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई थी, ये हॉल के द्वारा ही शुरू की गई थी और अभी भी की जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बड़े भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। किस देश के खेल पत्रकार ग्रंट वाहल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया, यह आपको जानना है। चलिए भाई, हाल फिलहाल में क्या है, ग्रंट वाहल यह अमेरिकन एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, ठीक है, जो वहां पर मीडिया को कवर कर रहे थे, अपनी न्यूज कवर कर रहे थे, और सडनली क्या है, सडनली ये चेयर पे बैठे हुए थे, चेयर से गिर जाते, मीन्स हम बोल सकते हैं कार्डियक अटैक की वजह से, क्या है, एक कार्डियक अटैक की वजह से इनका निधन हो गया, ठीक है। चलिए, तो अमेरिकी जर्नलिस्ट याद रखेंगे, ग्रंट वाहल इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में इनकी डेथ हुई है, ठीक है, चलेगा।
तो भाई यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं, यहाँ से हमें एक चीज सीख मिलती है कि हमारी लाइफ का, किसी की भी लाइफ का कुछ पता नहीं है, इसलिए जिस टाइम पर आप जी रहे हो उस टाइम को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से हर किसी से हंसो बोलो, किसी से दुश्मनी रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ नहीं मिलता, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट जो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, यह आपको बताना है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इस बार भारत की रैंक क्या रही है? भाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इस बार जो भारत की रैंक रही है 87th रही है, वहीं यूएई जो है ये फर्स्ट नंबर पर आ गया है अपने पासपोर्ट के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, दुबई पासपोर्ट आप बोल सकते हैं, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है। किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो एनडीडीबी होता है, एनडीडीबी का प्रबंध निदेशक यानी कि एनडीडीबी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एमडी जो है वह कौन नियुक्त किए गए हैं, यह आपको जानना है। तो भाई मीनेश सी शाह जो है, मीनेश सी शाह एनडीडीबी के हाल फिलहाल में क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। मैनेजिंग अपॉइंटमेंट, मैम आप तो हंसती बोलती नहीं है, भाई मैं बहुत हंसती हूँ, बट ये है कि क्लास में टाइम नहीं होता है ना, अगर हम हंसेंगे बोलेंगे तो फिर आपकी करंट अफेयर कैसे कंप्लीट होगी, टाइम बहुत कम होता है, बताने को आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए ऐसी बात है तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको हंस हंस के पढ़ूं, चलेगा। सो मीनेश सी शाह इज द राइट आंसर। एनडीडीबी भी आपको पता है भारत में डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वर्गीज कुरियन के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, यह आपको जानना है। चलिए भाई किसे अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है यह दिया गया है, तो कृष्णा ववी वाला, कृष्णा ववी वाला को क्या है इस पुरस्कार से नवाजा गया है, यानी कि 27 का बी इज द राइट आंसर, कृष्णा ववी वाला। नेक्स्ट बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है भाई, हमारे मनसुख मंडाविया को, तो इनके द्वारा किस शहर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है भाई। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई, चलो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, हाँ जी कहाँ पर की गई थी। 27 का सी आप आंसर कर रहे हैं, वाराणसी, वाराणसी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। और वाराणसी से आप एक चीज और याद रखेंगे, इसे एससीओ कैपिटल भी घोषित किया गया है, इसे क्या है भाई, इसे एससीओ कैपिटल भी घोषित किया गया, ये पी है, ठीक है, एससीओ कैपिटल। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2023 में, 2023 में भारत क्या है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी करेगा, एससीओ की अध्यक्षता भी करेगा, तो वाराणसी आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया गया है, चलो भाई मिरेकल ऑफ फेस योगा किसके द्वारा शुरू की गई है भाई, योग मैं तो बोलती हूँ भाई आप टाइम निकाल ही लीजिएगा योग के लिए जरूर, ठीक है, फेस योग भी आप कीजिएगा और आप क्या है जो बॉडी योगा होता है उसे भी कीजिएगा। देखिए फेस योग के बहुत ज्यादा फायदे हैं कि आप एंटी एजिंग का ये काम करता है, आपका फेस टाइट रहता है तो आपकी क्या है उम्र भी कम लगती है, और हमें भाई हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, ब्यूटी कॉन्शियस बिल्कुल हमें होना चाहिए, एक लाइफ मिली है आपको, भगवान ने अच्छा खासा बनाया है, ठीक है, तो अपने आप को मेंटेन करके रहिएगा। योगा भी जरूर कीजिएगा, चाहे 10-15 मिनट मिले तो जरूर कीजिएगा, इससे क्या है जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है, ठीक है, वो भी आपकी इंक्रीज होती है और आप शांत रहते हैं, एकदम काम माइंड में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, भड़क लेते हैं, तो वो सब चीजें भी इससे दूर हो जाती हैं, ठीक है, चलेगा। तो मानसी कुलाटी इज द राइट आंसर, मिरेकल ऑफ फेस योगा ये बुक है, इसमें फेस योगा
के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पर भी शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं फेस योगास को। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो भाई वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 जो चुना गया, इन दोनों को चुना गया है। मैकलोगिन लैवरिन को भी चुना गया है, मोंडो डुप्लांटिस इन दोनों को चुना गया है। ठीक है, कौन कौन से देश से हैं जरूर आप याद रख लेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों को, एक वुमेन है एक मैन है। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? अच्छा, ये तो आप बताएंगे बताएंगे। और फेडरल रिजर्व बैंक, ये कौन से देश के बैंक की मैं बात कर रही हूँ? जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे ही इस देश का ये सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, जिसकी क्या है, जिसकी हाल फिलहाल में उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो भारत की जो सुष्मिता शुक्ला है यहाँ इसके उपाध्यक्ष बनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किस शहर में 43वां इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा? तो भाई 43वें नंबर का जो इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा यह विशाखापट्टनम में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है आपको पता है, ये एक पोर्ट भी है विशाखापट्टनम। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपको बताया गया था यूनिवर्सल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हम किस दिन सेलिब्रेट किया करते हैं? 12th of December को। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या होता है कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी पर्सन की मैटर नहीं करती, जो एक स्वास्थ्य सेवा है, जो हेल्थ फैसिलिटीज है हर किसी पर्सन को दी जाए। हर किसी पर्सन का क्या है, राइट है निरोग रहने का, स्वस्थ रहने का। किस देश के एडिन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भाई कौन से देश के एडिन हजार्ड ने संन्यास ले लिया था जो अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है? नो, नॉट अर्जेंटीना, बेल्जियम। ठीक है, कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं एडिन हजार्ड, और इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, यह भी याद रखेंगे। हाल ही में किससे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलो भाई जल्दी जल्दी से बताएंगे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है यह कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है कौन बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की? तो मेघा अहलावत जो है, मेघा अहलावत ये कौन बनी है, इसकी अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलो भाई जल्दी से बताओ, यूएन का एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया है, 2023 जो हम बाजरा वर्ष बनाएंगे तो इसका एक सम्मेलन, ठीक है, आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है यह आपको जानना है। तो यह रोम इटली में किया गया है। कहाँ पर? रोम इटली में किया गया, बिकॉज एफएओ का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, एफएओ का हेडक्वार्टर रोम इटली में ही है। ठीक है भाई, हम मेगा फूड पार्क पढ़ते हैं। मेगा फूड पार्क सबसे पहले जो भारत में स्थापित किया गया, किसकी हेल्प से स्थापित किया गया था? इटली की हेल्प से ही स्थापित किया गया था। ठीक है मैम, जनवरी से दिसंबर तक के करंट मंथली करवा दीजिए। हाँ जी भाई बिल्कुल करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में कौन भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, यह आपको बताना है। चलिए भाई, 77 नंबर के भारत के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं यह कौन बने हैं? तो भी आदित्य मित्तल क्या है, आदित्य मित्तल 77 नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किसी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक जो नाबार्ड होता है, जो कौन सा होता है भाई, नाबार्ड होता है। ठीक है, नाबार्ड, तो नाबार्ड के हाल फिलहाल में अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड से रिलेटेड एक चीज आपको याद रखनी है कि नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड सीधा फार्मर्स को लोन नहीं देता, ये सीधा फार्मर्स को लोन नहीं देता है भाई, ये रीफिलिंग का काम करता है या ये रीफाइनेंस का काम करता है। मतलब कि ये किसे लोन देता है, ये पैसा देता है जो छोटे बैंक्स होते हैं, जो छोटे ग्रामीण बैंक होंगे या फिर यहाँ के कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, ठीक है, सहकारी बैंक जो होते हैं, तो ये उन्हें लोन देता है, फिर ये लोन देते हैं
किन्हें? किसानों को। तो नाबार्ड सीधा किसानों को लोन नहीं देता, किसानों का इसमें अकाउंट नहीं होता है। जैसे आरबीआई, क्या आरबीआई में हमारा किसी का अकाउंट ही नहीं? आरबीआई रिफाइनेंसिंग का काम करता है, जो छोटे मोटे जो महिला फाइनेंशियल या कोऑपरेटिव बैंक से उन्हें लोन देता है, आरबीआई हमें नहीं देता सीधा। ठीक है, केवी शाहजी इज द राइट आंसर। दिल्ली नगर निगम की पहली महिला ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बन गई है, यह आपको कॉमेंट करके बताना है। थोड़े जल्दी करेंगे भाई, 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो गौरी सावंत क्या है? गौरी सावंत दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। किस देश में एंट्री माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। माइक्रोब्स किसे बोलते हैं? माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है भैया? ये जो आपके वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, ठीक है, इन्हें हम माइक्रोब्स बोलते हैं। तो इनके रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि इनकी बीमारियों से बचने के लिए हाल फिलहाल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एंड कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? ओमान में हुई थी। कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? ओमान में हुई थी। यानी कि डी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, किसने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, यह आपको जानना है। तो भाई हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या है? हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बने हैं, और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से क्या है? कांग्रेस पार्टी से यहाँ बिलोंग करते हैं। ऑल राइट भाई, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार काउंट दिखाना, कितने कितने गाड़ी था? 49 सही है। चलो, और इस पे इसका तो ये मेरी लास्ट है। चलिएगा, तो यहीं आपसे भाई विदा लेते हैं, बिकॉज दूसरी क्लास है। तो यहीं आपसे विदा लेते हैं। सभी लोग अपने ख्याल रखेंगे, बढ़ते रहेंगे, रिवाइज चीजों को करते रहिएगा। जो आपने कहा है कि मैम 2022 की पूरी करंट अफेयर, तो बिल्कुल आपको करा दूंगी। एक्चुअली अभी क्या है, अभी आर्मी वाले बच्चों का एग्जाम है, तो वहां पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। एंड डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल 2022 की पूरी करंट अफेयर रिवाइज करा दूंगी। चलेगा, थैंक यू सो मच।